हेलो हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है फिर से मेरे नए एक व्लॉग में। आज मैं बना रही हूँ चिकन, बढ़िया टेस्टी मज़ेदार। ये मैंने चिकन आधा किलो धो रखा है, ये मैंने खसखस का पेस्ट पीस रखा है, खसखस पीछी है याद रखना। आप इसकी जगह बादाम भी ले सकते हो, काजू भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। हाँ, ये मैंने कढ़ाई रख ली है, आज कुछ मुगलाई स्टाइल से बनेगा। सफ़ेद चिकन बनेगा आज मुगलाई सफ़ेद चिकन बनेगा आज, बढ़िया मज़ेदार टेस्टी। देखो मैंने रिफाइंड डाल लिया है, कुकिंग ऑयल, दो तेज़पत्ता और जो खड़े मसाले में डाल रही हूँ, दालचीनी, लौंग, दो इलायची। यहाँ मैंने दालचीनी भिगो के डालने से दालचीनी उसका अरोमा बहुत अच्छा आता है। और मैंने यहाँ दो ही प्याज पीसे हैं सिलबट्टे में पीसे हैं, और खसखस भी सिलबट्टे में पीसी है मैंने। ये देखो इसको अच्छे से मैं भून रही हूँ, देख लो गाइस। सिलबट्टे में पीसा है, इसी में मैंने अदरक लहसुन भी पीसा है, और थोड़ा ही, बहुत ज़्यादा नहीं। इसी में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी प्याज में ही पीस लिया है ताकि खुशबू अच्छी आए। जैसे मैंने लौंग और वो प्याज लहसुन वो डाला, वैसे ही खुशबू आने लग गई है मेरे चिकन की। ये देख लो अब मैंने चिकन डाला है, मैंने सिर्फ आधा किलो चिकन धोया हुआ रखा है और ना कुछ डाला है, ना कुछ मैरिनेट किया, बस ऐसे ही इसको अब अच्छे से भूनूंगी तेल में। इसका पानी छूटेगा, पानी खुश्क होगा, सूखेगा, इसको मज़ेदार बनाने के लिए इसको अच्छे से भून रही हूँ मैं। ऐसे भून लेने से चिकन की स्मेल जो होती है वो चली जाती है गाइस। स्मेल खाने में, मतलब चिकन की कच्चापन या ब्लड की बदबू जो होती है वो नहीं रहती। उसको अच्छे से भून लो। अदरक लहसुन का मतलब यही है, चिकन की स्मेल नहीं आनी चाहिए। ये देख लो, तभी तेज़पत्ता जो है ना, इसका जो स्मेल होती है, रॉ स्मेल होती है, कच्ची स्मेल होती है, वो हटा देती है। ये देखो इसको मैं अच्छे से सुखाऊंगी, इसका पानी मैंने सुखा लिया है। मेरा प्याज भी, अदरक लहसुन भी ब्राउन हो चुका। ये मैंने सिलबट्टे में पीसा है खसखस 50 ग्राम, तो उसको मैंने, इसका पानी नहीं निकाला, पानी नहीं चाहिए मुझे ऐसा ही चाहिए, सूखा ही चाहिए खसखस का पेस्ट। ये देख लो अब मैं डालूँगी फेंटी हुई 50 ग्राम दही। दही भी कम रखूँगी, खट्टा हो जाता है, नहीं तो ज़्यादा मीठी दही मेरे पास थी नहीं, इसलिए मैंने दही भी कम रखी है। अभी से ही घी छूटने लगा है गाइस, देखो इसमें, अगर चिकन में घी छूटने लग जाए तो समझ लेना आधा डन है ये। अभी मैंने डाला है दही फेंटा हुआ, 50 ग्राम ही दही डाली, दही मैंने कम रखी है। इसमें मैं दूध भी ऐड करूंगी। मैंने इस टाइम पे स्लो फ्लेम रखा है, इसीलिए दही फटे ना मेरा, ये देख लो, वरना अगर ज़्यादा रखूंगी तो दही फट जाता, पानी छोड़ देता है। मुगलाई चिकन है तो दही का फटना नहीं चाहिए, दही फट जाएगा तो टेस्ट नहीं आएगा, पानी हो जाएगा, अच्छा सा नहीं लगेगा, वाइट चिकन नहीं बनेगा। दही के टाइम खास कर ध्यान रखें आप, स्लो फ्लेम में ही पकाएं। ये देख लो ये मेरा थोड़ा सा अच्छे से हो रहा है। इसमें मैंने दूध ऐड कर दिया है,
दूध मैंने थोड़ा ही डाला है, आधा कप से भी कम। ये देख लो, जब चिकन सफ़ेद चिकन बना रहे हो आप तो हड्डी वाला ही लेना, चिकन ब्रेस्ट मत लेना, उसमें कैल्शियम नहीं होता है, कैल्शियम लोगों को नहीं मिलता है। ब्रेस्ट मानती हूँ गलने में इजी रहेगा, सही बनेगा, पर हड्डी वाला जितना बढ़िया बनाओगे उसमें बहुत अच्छा मुगलाई चिकन में स्वाद आएगा। ये देख लो, इतनी बढ़िया रेसिपी है, टेस्टी है। अब धीरे धीरे मेरा ये पक रहा है चिकन मेरा, दही के बाद मैंने दूध ऐड किया था, देखो पानी बिल्कुल मैंने ऐड नहीं किया, पानी कम डालें, बिल्कुल ही कम रखें, मुझे इसको सुखाना है, सूखा ही बनाना है, इसलिए मैंने दूध डाला है। दूध से एक अलग ही रिचनेस आती है और टेस्ट भी आता है। दूध अभी कभी डाल के देखो अब सब्ज़ी में अपने, मैं तो डालती हूँ, चाहे वेज हो चाहे घिया हो तोरी हो, मैं सब उसमें दूध डालती हूँ, दूध में ही मिक्स करके डालती हूँ। इसमें मैंने डाला है आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, एक चौथाई चम्मच सुर्ख मिर्च और थोड़ी सी कुटी हुई धनिया पाउडर डाला है। ये देखो, मैं हल्दी इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करूँगी, हम सफ़ेद चिकन बना रहे हैं तो सफ़ेद चिकन के लिए देखो हल्दी बिल्कुल नहीं डालूंगी। आप चाहे तो डाल भी सकते हैं, पर वो उसका कलर अलग आ जाता है, मुझे थोड़ा ऐसा ही क्रीमी कलर चाहिए, ऑफ वाइट कलर चाहिए, तो देखो मैं हल्दी नहीं ऐड करूँगी और बिल्कुल ही ना के बराबर मसाले गिरेंगे गाइस, इसमें और कुछ नहीं गिरेगा। ये मेरा ज़ीरा पाउडर है कुटा हुआ घर में बनाया हुआ, और ये मेरा जो मैं घर में गरम मसाला पीसती हूँ वो है, ये देख लो। मैं कभी किसी दिन वो भी सिलबट्टे में पीस के बताती हूँ कैसे मैं मसाले बनाती हूँ, वो भी मैं आपको बताऊँगी। ये देख लो, ये मेरा पक रहा है चिकन, मेरा मुगलाई चिकन तैयार है, पर इसमें थोड़ा सा ग्रेवी है, इसको मैं सुखाऊंगी। ये देख लो गाइस, मैंने देखो इसमें कुछ नहीं ऐड किया है, इसमें मैंने डाला था बादियान का फूल भी, उसके पत्ते थोड़ा तीन चार टुकड़े डाले हैं बादियान के फूल के, उसकी खुशबू से ना बहुत ही अच्छा महकता है आपका चिकन। अगर बनाते हो तो आप अपने मेहमानों को ये भी डिश एक ऐड करें मेहमानों के लिए, और बढ़िया बना के खिलाएं, और टेस्टी और मज़ेदार। स्पेशली पता है मेहमान तो चलो बाद में आते हैं, अपने घर वाले खुश होना, बच्चे और बड़े बुज़ुर्ग, तो वैसे ही तुम्हें बहुत सारी दुआएं मिलती हैं, वैसे ही तुम बहुत अच्छे से बना सकते हो और बहुत सही डिश बनती है अपनी ना, बहुत टेस्टी मज़ेदार डिश बनती है। ये देख लो मेरी चिकन रेसिपी तैयार हो गई है, मैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, घर वालों के लिए उनके हिसाब से बनाती हूँ, क्योंकि मुझे उनका टेस्ट पता है, वो कैसे खाते हैं, क्या उनको पसंद है। ये देख लो, हाँ जो वेजीज बनाती हूँ वो मैं अपने लिए बनाती हूँ,